पंजाब में लगातार बढ़ती बिजली की दरों के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई बिजली फूकने की मुहिम के तहत ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार शर्मा पर डॉक्टर संजीव गौतम के नेतृत्व में वार्ड नंबर 10-11 में रोष प्रदर्शन करते हुए बिजली के बिलों को आग के हवाले किया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार शर्मा व डॉक्टर संजीव गौतम ने कहा कि पंजाब में जिस तरह से बिजली की दरों में वृद्धि हो रही है उससे आम आदमी की कमर ही टूट गई है। उन्होंने सवाली अंदाज में कहा कि जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार अन्य राज्यों से बिजली खरीदने के बावजूद दिल्ली वासियों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री और उसके उपरांत सस्ती बिजली मुहैया करवा रही है तो पंजाब सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही जबकि पंजाब में बिजली का भंडारण है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में आप कार्यकर्ता वार्ड में वार्ड स्तर पर बिजली बिलों को फूककर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और ये मुहिम लगातार प्रतिदिन नए वार्ड में चलाई जाएगी ताकि प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा सके। लोगों की बिजली फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो, लोगों की बिजली फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 महिमान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार शर्मा ने पहले जे सुने। ये असी जेडे बिल है पूरे 19 वार्डां च फूकने ने ते जेडे साडे ब्लॉक दे 38 पिंड है असी ये पिंडां विच भी हर पिंड च फूकने हर घर असी जाके अपना एक पंपलेट भी देना हैगा। असी लोगों नूं सुचेत करना है कि जिहड़ी सरकार हैगी ये सानूं लुट रही है दिन पर दिन लुट रही है। अब जिदा हूँ असी मोची महल्ले आए हैं लोगों का बिल 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार आ रहा है। एक बीबी ने सानू दसिया कि लॉकडाउन के मैं 10 हज़ार बिल आया तुम दसो लॉकडाउन के 10 हज़ार बिल जे बंदे 3-4 महीने वेले रहे 10 हज़ार का उन्होंने बिल आया वो कहते सानू पता असी किदा करजा चक के वह बिल आया है। यह सरकार जी है यह सिर्फ गरीब आदमियों को लुट रही है जेडे अमीर ने वो तो होर दुगने अमीर हो रहे हैं लेकिन जोड़ा गरीब हैगा वो होर गरीब हो रहेगा। असी लोगों को अपील करते हैं कि तुम आम आदमी पार्टी के जोड़ा बिजली अंदोलन चलिया इनू बद चढ़ के हिस्सा लाओ ताकि सरकार असी जगाइए कि लोग गरीब लोगों जोड़ा है तुम ये बिजली जी दे रहे हो जोड़ा पानी दे रहे हो जोड़ा प्रॉपर टैक्स लै रहे हो होर पता नहीं किन्ने किन्ने टैक्स लोगों के उपर थोपे हुए हैं। असं अपील करते हैं कि आम आदमी पार्टी आऊगी असी दिल्ली की तरह थोड़ा पानी भी फ्री बिजली भी फ्री करा और होर जिहड़ियां 100 चीज़ों के उत्ते भी 10-76 नंबर फोन करो घर आ के थोड़ा सारा चाहे तुम आरसी बनानी है चाहे राशन कार्ड बनाना इसी तर्ज के उत्ते साडे पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी भी यही काम करूगी ताकि लोगों को निजात मिल सके। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते हुए डॉक्टर संजीव गौतम ने क्या कहा जे भी सुनो। कैप्टन सरकार दियां गरीब विरोधी माड़ी नीतियां दे विरुद्ध विच साडी पार्टी ने अज नंगल दे वार्ड नंबर 11 दे विच वार्ड नंबर 10 दे विच दोनों की सांझी जगह जिथे सी उत्थे इकट्ठ किया ते लोगों के दुख देखे। अज तुसी हैरान होवोगे कि इत्थे एक झुंगी चौफड़ी कलोनी है उहदे विच एक घर का बिल 4165 रुपए एक का 5 हज़ार के करीब एक का 3 हज़ार के करीब ये लोग चार चफेर तो कूड़ा चुक के और लोहा बेच के लोहा कट्ठा करके कवाड़ का काम करते हैं जेडे कवाड़ का काम करने वाले अपना पेट नहीं भर सकते उन्होंने लोगों का 5-5 हज़ार का बिल इस सरकार नू शर्मा नू चाहिए और इन लोगों का जिन्हों का बिल माफ़ करने के सरकार ने वायदे किए सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए और इतने लगभग 40 के करीब परिवार ने 40 परिवारों के केवल एको ही नलका पानी का है और उस नलके देखोगे साइड के लोग बारी बारी पानी भरते हैं बड़ी औकड़ों का सामना करना पैंदा है। अज के युग के एक पासे नहर वग रही दूजे पासे एक नलका डुबण वास्ते पानी बहुत है लेकिन पीण वास्ते इस गरीब आदमी को पानी नहीं है। साडा सरकार के मन में इस गल को उजागर करना तो पैदा करना साडा एक धर्म बन जाता सरकार को दसीए कि तुसी वायदा किया बिजली फ्री देने का इन्हां लोगों ने एक एक महीने का 5-5 हज़ार का बिल जिहड़े अपना पेट नहीं भर सकते रोटी वो कितों पैदा करनगे। सो जिवें साडी दिल्ली की सरकार ने उत्थे सरकार बनन दे उत्ते लोगों को फ्री बिजली फ्री यूनिट से बिजली दी और उवें ही जदों साडी सरकार पंजाब दे विच बनेगी 2022 दे विच असीं इन्हां लोगों नूं वायदा नहीं करांगे बल्कि इन्हां नूं पुख्ता रिटर्न विच देवांगे कि तुहानूं कोई बिजली का ते कोई पानी का बिल नहीं आएगा और हर घर नूं फ्री बिजली ते फ्री पानी मिलेगा। इस करके साडा लड़ीवार जिहड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है पंजाब दे विच बिजली दे बिल फूक के और सरकार नूं
जगाने वास्ते अब साढ़े नंगल अब सा लगभग एक हफ्ते तो काम चल रहा है। पूरे पंजाब के अलग अलग जिले से तहसील के पद्धर से चल रहा और हर कार्यकर्ता हर व्यक्ति असी घर घर जगावे घर घर जाके लोगों को यह दसांगे कि थोड़ी बिजली दे नाल सरकार किड्डी बड़ी लुट थोड़ी जेब पर डाका पा रही है। सो बहुत मेहरबानी धन्यवाद शुक्र। उधर गांव सेंसवाल व एलग्रा में भी संजीव राणा व एडवोकेट विशाल सैनी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी द्वारा बिजली के बिलों को फूंक कर रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर क्या कहा एडवोकेट विशाल सैनी ने पहले जे सुने। बहुत बहुत धन्यवाद जो सा मुहिम जिन्होंने योगदान पाया। असि जिदा भी साकार आती है वादा करते हैं कि पंजाब भी बिजली 200 यूनिट कुछ घर की फ्री है पर जी अगले रेट है 200 यूनिट तो बाद तसली करा दें और असं वादा करते हैं कि जो भी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है असं दिल्ली के आधार से बिजली का जोड़ा रेट है वह सारे मुहैया करावे। धन्यवाद। इस मौके पर क्या कहा संजीव राणा ने जे भी सुने। आम आदमी पार्टी के बिजली अंदोलन के आए हस्ता दिले के सारे पिंड वासियों माताओं भैनों बजुर्गों सारे मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिना जिन्होंने अपना समा कढ के साथी पार्टी का साथ देने का पार्टी मजबूती से लियाने ले वास्ते साथी मदद कर रहे। असं यही दसना चाहते भी दिल्ली च जिहड़ी बिजली है वह दिल्ली सरकार जिहड़ी है वह मैक्सिमम जिहड़ी ज्यादातर मीटर जिहड़े है उन्हां दी रीडिंग जिन्हें 200 यूनिट है उन्होंने जेडे बिल्कुल उन्होंने बिल जे जीरो आते एक कोई कह दी गल नहीं है। उत्थे दिल्ली च काफी जो थोड़े को रिश्तेदार हो पता कर सकते भी दिल्ली कि सस्ती बिजली असी ये जी मुहिम है कि अगे आने वाले जेडे विधानसभा के इलेक्शन भी नेड़े है तो असी लोगों इस मुहिम के राही अगे अगे असी होर भी मुहिम चलानिया है। फिलहाल असी बिजली की मुहिम चलाई भी जिद नाल की लोग जड़े जागरूक हो सकन कल थोड़े को कांग्रेस का नुमाइंदा या किसी होर पार्टी का नुमाइंदा जे आंदा है तो तुसी उन्हां तो थोनू जो पता होएगा भी दिल्ली विच क्या हो रहा है। एक केजरीवाल साहब की सरकार है भी जिन्हें पहली बार आके नवी पार्टी 6 साल होए हाले पार्टी आए नू ते एडा बड़ा जड़ा एक अंदोलन जड़ा तुसी सेहत सुविधावां ला लो बिजली के बिलों की ला लो तुसी एजुकेशन नू ला लो उत्थे हरेक चीज की जिहड़ी बड़ी सहूलत है। ते मैं थोड़ी सारे नू रिक्वेस्ट करदा भी थोनू अज दस चले भी जिहड़े थोड़े बिल आए ने बेशक किसी का 1000 है किसी का 2000 है किसी का 2500 है जे आने वाले इलेक्शन च आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब चाहती है तो तुहानू दावे नाल कहना भी जिदा बिजली के बिल दिल्ली विच जीरो आंदे 200 यूनिट तक ने पंजाब विच भी साडी जे सरकार आंदी है तो ओही उदां दी सहूलतां जिहड़ियां ओह पंजाब विच मुहैया कराउंगे। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। काम सही दाम सही नाम विजय ज्वेलर्स नंगल डैम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहां से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4500 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहां आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 9463 9376 85560 88974।
सारे नगर निवासी अरदास बेनती करते हैं कि सानू एक बार सेवा का मौका दिओ और बाजार नालों सस्ते दाम पर हर आइटम मिलेगी।